आज फैजपुर शहर में 35 खाटिक बिरादरियों की शादियां हुई। इस बारे में जलगांव शहर की जानी मानी शख्सियत अब्दुल करीम सालार सर ने जनता की बात यूट्यूब चैनल के जरिए लोगों को क्या संदेश दिया, आप देखिए। मैं हूँ शाकिर मलिक, जनता की बात अब तक। आज बहुत खुशी की बात है कि एक मरतबा फिर खाटिक बिरादरी की जानिब से फैजपुर के अंदर इज्तिमाई शादियों का नज़्म रखा गया। 35 जोड़े यहाँ पर आए, 35 खानदानों के तमाम बाराती अफराद आए। और ये खास बात ये कि जो 10 बजे का टाइम सुबह दिया गया था, बर वक्त ये 35 शादियों का काम शुरू हुआ, निकाह की कार्रवाई शुरू हुई और 11:15 बजे सारी चीज़ें ख़त्म होकर और सभी हैरत में पड़ गए। एक शादी दो शादी हो तो एक एक बच जाता है और 35 शादियाँ वक्त में हुई है। एक आदर्श मुस्लिम खाटिक समाज की तरफ से यहाँ पर आज दिया गया। बहुत सारे नेता यहाँ पर आकर गए, आमदार आकर गए, माजी आमदार आकर गए और हर किसी ने इसको सराहा है। वाकई काबिले मुबारकबाद है हमारे खाटिक बिरादरी के बुजुर्गान और हमारे नौजवान साथी सोशल वर्कर, जिन्होंने इसको बहुत ही कामयाब तरीके से एक मरतबा फिर बहुत अच्छा काम किया है। पिछले गुज़िश्ता कई सालों से मेरे साथ में हाजी साहब खड़े हैं जो साबिक सदर है महाराष्ट्र खाटिक बिरादरी के। इनके ज़माने से जो तालीम तहरीक शुरू हुई वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इसी तरीके से आगे बढ़ रही है और अब उसके नतीजे सामने आ रहे हैं। यहाँ पर फैजपुर में गुज़िश्ता दिनों जो तालीमी प्रोग्राम हुआ महाराष्ट्र का, गुजरात का, बेहिसाब सैकड़ों बच्चे, कुछ डॉक्टर, इंजीनियर, MS, UPSC के अंदर नुमाया कामयाबी, कॉमर्स के अंदर नुमाया कामयाबी, ये सारी चीज़ें इज्तिमाई कोशिशों का नतीजा है। बिरादरी इसके लिए जो काम कर रही है, मेरी गुजारिश है कि सारे इख्तलाफात जो शैतान बहकाने का काम करता है उसको बालाए ताक रखकर जो ये दो चीज़ें शुरू हुई है, एक एजुकेशन की मूवमेंट जो डॉक्टर शकील साहब के अंडर में चल रही है और जो महाराष्ट्र के साथ में मिलकर बिरादरी के साथ मिलकर कर रही है वो, और इज्तिमाई शादियों का जो नज्म जगह जगह चल रहा है, ये टूटने ना पाए। अगर हम मुत्तहिद रहें तो इंशाअल्लाह ताला महाराष्ट्र के अंदर खाटिक बिरादरी का जहाँ तक मामला है, फाइनेंस के अतबार से कोई इंशाअल्लाह गरीब नहीं रहेगा, हर कोई जो है तो आसूदगी के साथ जिंदगी गुजारेगा। मैं एक मरतबा फिर आपके माध्यम से पूरी बिरादरी के जिम्मेदारान को मुबारकबाद देता हूँ, नौ ब्याहता जोड़ों को मुबारकबाद देता हूँ, उनके अहले खानदान को मुबारकबाद देता हूँ और अल्लाह इनको बड़ी नज़र से बचाए, यही दुआ करता हूँ।